फरीदाबाद हलके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विपुल गोयल का चुनाव अभियान जोरों पर है। गोयल की सभाओं में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज वो फरीदाबाद के प्रमुख समाजसेवी और वरिष्ठ उद्योगपति शंकर खंडेलवाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी हिस्सा लिया और विपुल गोयल के पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। इस मौके पर गोयल ने भी शहर के कुलीन वर्ग में वोटिंग को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद वोटिंग 50% के ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि हम में से बहुत लोग उस दिन काम या फिर किसी और चीज का बहाना बनाकर वोट डालने नहीं जाते। चाहूंगा कि हम सब लोग राजनीति डिस्कशन भी बहुत करते हैं, राजनीति के लिए पार्टिसिपेशन के लिए भी यहाँ पर आए हैं, और शहर में कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो तो आपकी उपस्थिति भी बहुत होती है, लेकिन जब पोलिंग परसेंटेज आती है ना, वो 50% से ऊपर ही निकलती है। ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि 50% से ज़्यादा पॉलिटिकल जो पोलिंग है वो नहीं आती, और उसके अलावा डिस्कशंस हम सबसे ज़्यादा करते हैं। NDTV, आज तक, टाइम्स नाउ जो चलते हैं वो हमारे ड्राइंग रूमों में सबसे ज़्यादा चलते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, मेरी कहीं मीटिंग है, मैं बिजी हूँ, वीकेंड है, तो इस तरीके का जो काम है यहाँ पर मेरी बहनें मातृशक्ति सबसे ज़्यादा यहाँ पर, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा दो, तब जो वाकई में आप जो शहर का भला चाहते हो ना, वो तब होगा जब आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ा देंगे, जब आपका जिसको आप चाहते हैं वो पार्टी और वो प्रतिनिधि आएगा, तभी आपकी बात आगे पहुंचेगी, आपका जो ब्रेन है वो आगे जो भी उसमें मैपिंग है फरीदाबाद के लिए, वो तभी तो इम्प्लीमेंट हो सकेगी ना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा 14, 15, 16, 17 जो ये सेक्टर हैं, इनमें आपकी अगर पोलिंग परसेंटेज 80 से 90% होनी चाहिए, तब लगेगा कि वाकई में आप लोकतंत्र के हितेशी हैं, तब आप रियल डिस्कशन करते हैं, लोकतंत्र के हितेशी हैं और अपने एजेंडे को फरीदाबाद में इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, अदरवाइज वो खाली डिस्कशन है, कोरी कोई फायदा नहीं। अगर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो पोलिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पर क्या हो रही है, 14 सेक्टर RWA जो पिछले भी अभी आपस में इलेक्शन हुए थे, ये सारी RWA यहाँ है, ये बड़ी खुशी की बात है। पोजीशन वाले भी और पोजीशन वाले जो यहाँ पर है, खंडेलवाल साहब ने कमाल कर दिया, सबको एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वही कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ उद्योगपति शंकर खंडेलवाल ने कहा कि जो लोग खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, वो भी इस बार खुलकर विपुल गोयल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से सर क्या माहौल लग रहा है, कौन माजी जीत रहा है और क्यों? फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 89 में बहुत भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि सेक्टरवासी जो कि ओपनली री सपोर्ट करते किसी भी पार्टी को, इस बार अपने जो है प्रिय कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है विपुल गोयल जी यहाँ के निवासी हैं और उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं, खुश हैं, इसलिए उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। फरीदाबाद विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है और क्यों? ओबियसली विपुल गोयल जी का बड़ा प्रभाव है और उन्होंने पहले बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, तो जो उनका कार्य करने की शैली है और जो उनका पुराना काम है, एक्चुअल में काम बोलता है, तो इस बार 100% उम्मीद है कि बहुत ही भारी मतों से विपुल गोयल जी जीत के आएंगे और फरीदाबाद के लिए बहुत ही विकास के कार्य करेंगे आने के बाद में, और एक नई ऊंचाइयों पर फरीदाबाद को पहुंचाएंगे, ऐसा सभी की मान्यता है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल अपने पिछले कार्यकाल में शहर में काफी विकास कार्य करवा चुके हैं जो आज भी जनता के जहन में है, लिहाजा हर वर्ग उन्हें दिल खोलकर अपना समर्थन देता नजर आ रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।